यहाँ पर आपको आम खबर के वाले से अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे चौधरी परवेज इलाही गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार हो गए हैं। यहाँ पर आपको अहम खबर के हवाले से आपको यहाँ पर अपडेट करें हैं, आपको बताते चलें कि दोबारा से जो है चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर खबर ही उन्हें जो है रिहा कर दिया गया था और अदालत की जानिब से मौकफ भी आया गया था कि अगर दीगर अगर मुकदमात में वो मतलूब नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार मजीद जो है ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको आगाह करें कि चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर आपको अहम तरीन खबर के हवाले से यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, आपको अपडेट करें कि चौधरी परवेज इलाही को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में एक बार फिर से गिरफ्तार हो गए हैं। अब से कुछ देर कबल ही चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया गया था, एक बार फिर से चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन गुजरांवाला ने साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार किया है, परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर कबल ही चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया गया था, लेकिन एक बार फिर से चौधरी परवेज इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन गुजरांवाला ने साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर कबल ही वो रिहा हुए थे, आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं और इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ अतीक मलिक से। अतीक मलिक, अब से कुछ देर कबल ही चौधरी परवेज इलाही जो है रिहा हुए थे, एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अपडेट है मजीद आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इत्तला ये है कि चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला करप्शन केस में जो है आज गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन जो पुलिस है उन्होंने दोबारा परवेज इलाही को जमानत के बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अब से कुछ देर कबल ही चौधरी परवेज इलाही की गुजरात के करप्शन केस में उनकी जमानत मंजूर हुई थी और उनको उनका जो केस चार्ज लगाए गए थे उनको डिस्चार्ज किया गया था, उनको बरी कर दिया गया था। लेकिन दोबारा से एंटी करप्शन पुलिस ने जो है वो उनको गुजरांवाला केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अब दोबारा से उनको जो है वो गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन जो थाना है वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर जो उनके साथ जो तफ्तीश की जाएगी। अतीक, अभी परवेज इलाही कहाँ है और कहाँ मुंतकिल किया गया है, एक बार फिर से बताइएगा। यहाँ पर आपको अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं, आपको बताते चलें चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन गुजरांवाला ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को एक बार फिर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें, आपको ये भी बताएंगे कि अब से कुछ देर कबल ही परवेज इलाही गुजरात करप्शन केस से बरी हुए थे, एंटी करप्शन कोर्ट ने उनका फैसला सुनाया था। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अतीक मलिक से। अतीक मलिक, इस वक्त परवेज इलाही कहाँ पर हैं और उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है गिरफ्तारी के बाद? जी बिल्कुल, उनको गिरफ्तार करने के बाद अब दोबारा से एंटी करप्शन थाने जवाब ले जाया गया है और वहाँ पर एंटी करप्शन एहलकार उनसे जो है मुख्तलिफ मामलात और मुख्तलिफ केसेस के हवाले से उनसे जो है तफ्तीश करेंगे। गुज़श्ता रोज भी चौधरी परवेज इलाही उन्हीं के एंटी करप्शन पुलिस के ही तहवील में रहे थे और उनको आज एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से ही अदालत में पेश किया गया था। लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज इलाही को जो है वो एक गुजरात केस में बरी किया गया तो एंटी करप्शन पुलिस ने दोबारा से उनको गुजरांवाला केस में। अतीक मलिक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका, एक बार फिर से बताएंगे चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर से जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन गुजरांवाला ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार किया है।